हेलो नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं कोडिंग टॉकीज विद विकास। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर सीरीज लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों मैंने पिछले तीन वीडियोस में लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। पहले वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। दूसरी वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री के बारे में और पिछले लगभग 100 सालों में कैसे उन्होंने इवॉल्व किया है खुद को। और इसके पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वेब के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, वेब क्या होता है और इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने जाने थे। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं या मिस कर दिया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अवेलेबल है, प्लीज उनको देखिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कई ऐसे टर्म्स हैं इंटरनेट से रिलेटेड जो हम सुनते होंगे, फॉर एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जिनके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। प्लीज बने रहिए हमारे साथ। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने किया नहीं है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं न्यूटन स्कूल की, बिकॉज दिस एंटायर सीरीज ऑफ वीडियोस इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं, विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वेमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेज, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटर्स हैं, दे देमसेल्व्स आर वर्किंग फॉर टॉप प्रोडक्ट कंपनीज। देयर इज अनदर सेक्शन कॉल्ड लॉन्च पैड ऑन द न्यूटन स्कूल एप्लीकेशन। लॉन्च पैड बेसिकली न्यूटन स्कूल का एम है, विच मेक्स यू जॉब रेडी, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहां पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। तो आइए दोस्तों आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पिछले वीडियो के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी WWW के बारे में, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और हमने जाना था कि वर्ल्ड वाइड वेब हम इंटरनेट पे जो भी डॉक्यूमेंट्स या रिसोर्सेज अपलोडेड हैं उनको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। जितनी भी रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई वेब पेज हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकता है, वो कोई ऑडियो हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब में अगर हमें वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी चीज़ को एक्सेस करना है तो उसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL। तो हर रिसोर्स का एक URL होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल https example.com, ये वो URL है जहाँ पर मुझे example.com से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। वैसे ही आप जाइए www.newtonschool.co, जिसमें आपको न्यूटन स्कूल से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, तो वो न्यूटन स्कूल का URL है। दोस्तों पिछले वीडियो में इसके बाद हमने बात की थी HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। मैंने आपको समझाया था कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट कोई भी अल्फ़ाबेट, लेटर या स्ट्रिंग या नंबर, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट हो सकती हैं। बट इनके अलावा अगर हमारा ह्यूज कलेक्शन डेटा क्या है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई पिक्चर है, कोई साउंड है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, ये सारी चीज़ें हमारी हाइपर टेक्स्ट के अंदर आती हैं। तो इंटरनेट पे या WWW पे किसी भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट पे सारी रिसोर्सेज को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। इसके बाद दोस्तों हमने HTTPS की बात की थी। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। और मैंने बताया था कि HTTPS बेसिकली HTTP जैसा ही है। जब किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन तक हम डेटा भेजते हैं तो HTTPS के केस में वो डेटा इनक्रिप्टेड होता है, ताकि बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी उस डेटा को एक्सेस कर भी ले तो वो उस डेटा को समझ ना पाए, मेरा जो डेटा है वो सिक्योर रहे। और इनके सिक्योरिटी के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसको हम पहले सिक्योरिटी सॉकेट लेयर यानी कि SSL भी कहते थे। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के ज़रिए हम सिक्योर कर पाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने डेटा को HTTPS पे।
तो जितने भी वेबसाइट है, जितने भी एप्लीकेशन है जो कोई भी किस्म का सेंसिटिव डेटा होल्ड करते हैं, जैसे कोई बैंकिंग वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट जिस पर ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, कोई सोशल मीडिया, ईमेल वेबसाइट, ऐसे जो भी वेबसाइट हैं, उनको HTTPS को फॉलो करना ही होगा। आइए दोस्तों, हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वेब ब्राउजर्स के बारे में। तो दोस्तों, वेब ब्राउजर्स जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, हम सब काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कोई भी इंसान इंटरनेट चला रहा है तो मोस्टली हम इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं या वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हम पहले एक ब्राउज़र खोलते हैं। वो ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, वो ब्राउज़र कोई भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग सफारी यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हैं, कुछ लोग ओपेरा यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे वेब ब्राउज़र्स हैं हमारे पास। पहले बात करते हैं वेब ब्राउज़र्स होते क्या हैं। तो बेसिकली WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे हमें कोई भी रिसोर्स खोलना है, कोई भी URL पे जाना है, कुछ भी एक्सेस करना है, तो हमें सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र खोलना होगा। उसके अंदर वो URL टाइप करना होगा, एंटर दबाना होगा और फिर हम जाते हैं उस URL तक। तो बेसिकली वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र ही हमारा जो उस वेबसाइट के नेसेसरी कंटेंट है वो सर्वर से लेकर आता है और फिर हमारे डिवाइस यानी कि हमारे लैपटॉप पे, हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे मोबाइल फ़ोन पे, हमारे टैबलेट पे वो दिखाता है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया वेब सर्वर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आप प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइए। और दोस्तों, आज के ज़माने में जो सबसे कॉमन ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम, जो कि ऑलमोस्ट 64% लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड पे जो आता है वो सफारी है, जो लगभग 19% लोग यूज़ करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। पिछले कई स्लाइड्स में मैंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं, क्लाइंट और सर्वर। तो हम जानते हैं कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले एक सिंपल यूज़ केस समझते हैं हम। तो दोस्तों, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप क्या करोगे? अगर ये आप हो तो आप जाओगे एक मार्केट में, एक कपड़े की दुकान में। मान लीजिए ये है वो दुकान, और आप बोलोगे कि मुझे कुछ शर्ट दिखाइए, शो मी सम शर्ट। उसके बाद दुकान पे एक आदमी होगा जो आपको कुछ शर्ट दिखाएगा और आपको कोई एक पसंद आ जाएगा, आप पे करोगे और वो शर्ट लेकर आ जाओगे। तो आपको यहाँ पे आपने एक शर्ट लेकर आ गया, ठीक है। हो सकता है कि आपको एक शर्ट नहीं, काफ़ी शर्ट पसंद आए तो आपने काफ़ी सारे शर्ट्स ले लिए। ऐसा भी हो सकता है कि शर्ट लेने से पहले आप उसको बताओगे कि हाँ, मुझे फॉर्मल शर्ट ही चाहिए या मुझे रेड कलर की शर्ट ही चाहिए या मुझे कॉटन शर्ट चाहिए, राइट? तो आप दुकान वाले को बताओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, दुकान वाला उसके अकॉर्डिंग आपको शर्ट दिखाएगा और आप फाइनली एक शर्ट चूज़ करके आ जाओगे अपने पास, राइट? तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या हो, आप बेसिकली कस्टमर हो, राइट? आप बेसिकली कस्टमर हो और दुकान वाला क्या है, दुकान वाला बेसिकली शॉपकीपर है। तो हमारे केस में क्या होता है कि कस्टमर शॉपकीपर के पास जाता है, उसके बताता है कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर आप एक राशन की दुकान में जाओगे तो आप बोलोगे कि आपको जो भी राशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चावल लेना है, आटा लेना है, बिस्किट लेना है, चॉकलेट लेना है, जो भी चीज़ें लेनी है आप उसको अपने रिक्वायरमेंट बताओगे और शॉपकीपर आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाएगा और फाइनली एक चीज़ लेकर आप अपने पास आ जाओगे। तो यहाँ पर जो कस्टमर है और जो शॉपकीपर है उसकी रिलेशनशिप हमने देखी। सेम चीज़ को अगर हम कंप्यूटर के लैंग्वेज बात करें तो इंस्टेड ऑफ कस्टमर, आप जो कस्टमर है उस कस्टमर को हम कहते हैं क्लाइंट और जो शॉपकीपर है उसको हम कहते हैं सर्वर। तो दोस्तों, जैसे कस्टमर शॉपकीपर के पास जाता है अपनी रिक्वेस्ट लेकर कि मुझे ये चाहिए, वैसे ही कंप्यूटर के सेंस में क्लाइंट सर्वर के पास जाता है और बोलता है कि उसको क्या चीज़ें चाहिए। तो क्लाइंट सर्वर के पास जाता है, उसको बोलता है कि उसको क्या डेटा चाहिए, उसको कोई डेटा चाहिए, उसको कोई इमेज चाहिए, अगर डेटा चाहिए तो कैसा डेटा चाहिए, उसकी डिटेल्स बोलता है। जैसे हमने उसके डिटेल्स बताई कि मुझे फॉर्मल शर्ट चाहिए, रेड कलर की शर्ट चाहिए या कॉटन शर्ट चाहिए, तो
तो वैसे एक क्लाइंट सर्वर के पास जाता है और उससे बोलता है कि हाँ मुझे क्या डेटा चाहिए, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कोई ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है। और फिर सर्वर जो है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जैसे शॉपकीपर अपने शॉप में उस रिक्वेस्ट को ढूंढता है, उस सामान को ढूंढता है, वैसे ही सर्वर भी अपने अंदर उस रिक्वेस्ट को ढूंढता है और उसके अंदर फिर फाइनली आपको आउटपुट देता है। तो क्लाइंट सर्वर को कुछ इनपुट देता है कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए और सर्वर उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को आउटपुट देता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, क्लाइंट बेसिकली हमारा वेब ब्राउज़र है। वो ब्राउज़र हमारे मोबाइल में हो सकता है, हमारे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में, किसी भी चीज़ में हो सकता है, जो कि बेसिकली रिक्वेस्ट मांगता है, जो कि बेसिकली इनपुट देता है, कि जो कि बेसिकली ये बताता है कि उसको क्या चाहिए। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, वो हमेशा क्लाइंट स्टार्ट करता है। और दोस्तों सर्वर क्या है? सर्वर एक्चुअली एक कंप्यूटर है, जो कि हो सकता है आपका खुद का कंप्यूटर भी हो या हो सकता है कोई और कंप्यूटर हो, ठीक है, जिसके अंदर एक प्रोग्राम चल रही है और वो प्रोग्राम www पे है या इंटरनेट पे है। तो सर्वर के पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं अपने रिक्वेस्ट को लेकर, और सर्वर उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। सर्वर बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे हम जब www की बात करते हैं, जहां हम कोई URL हिट करते हैं, जैसे google.com, facebook.com, वो जनरली वेब सर्वर्स होते हैं। वैसे ही ईमेल के सर्वर्स होते हैं, जीमेल का अपना अलग सर्वर है, याहू का अपना अलग सर्वर है, तो जितने भी ईमेल सर्विसेज हैं उनका अपना अलग सर्वर है। सर्वर काफ़ी तरह के हो सकते हैं। तो सर्वर एक्चुअली सिर्फ एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। कोई भी क्लाइंट उनके पास अगर आता है अपनी रिक्वेस्ट लेके, तो सर्वर उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स दे देता है। दोस्तों अभी वाले डिस्कशन में हमने दो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो दोस्तों अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल पर दोबारा वापस आएँ, तो जब भी क्लाइंट सर्वर से कुछ डेटा मांगता है, कोई भी कोई इनपुट देता है और कहता है मुझे ये डेटा चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम, इस चीज़ को हम रिक्वेस्ट कहते हैं या फिर HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं। और जब भी फॉर एग्जांपल जब क्लाइंट, जब आप जाकर बोले शॉपकीपर की मुझे कुछ शर्ट दिखाओ, तो बेसिकली कंप्यूटर के लैंग्वेज में दिस इज एन HTTP रिक्वेस्ट। और जब शॉपकीपर ने आपको शर्ट दिए, तो बेसिकली इसको हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में रिस्पॉन्स कहते हैं या HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों वेब आर्किटेक्चर में ये होता है क्लाइंट और ये होता है सर्वर। एक क्लाइंट सर्वर के पास जाता है और उसको कुछ इनपुट देता है और कहता है मुझे ये रिसोर्स चाहिए, इसे बेसिकली हम HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं। HTTP रिक्वेस्ट में क्लाइंट ये भी बताता है कि उसे रिक्वेस्ट में क्या चीज़ें चाहिए, कैसा डेटा चाहिए। और जब सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्लाइंट को रिटर्न करता है, तो उस आउटपुट को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जैसे बात की कि HTTP रिक्वेस्ट क्या है, कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग या कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग जो कि हमारा क्लाइंट यानी कि हमारा वेब ब्राउज़र जनरेट करके हम सर्वर को देता है, उसे हम HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं। HTTP रिक्वेस्ट में क्लाइंट सर्वर को ये स्पेसिफाई करता है कि उसे क्या रिसोर्स चाहिए, उसको वो कैसे यूज़ करना चाहता है, और अगर कोई और भी इंफॉर्मेशन उसको बतानी है सर्वर को, तो वो भी होते हैं उसमें। तो दोस्तों अब देखते हैं HTTP रिस्पॉन्स क्या है। HTTP रिस्पॉन्स वो डेटा है जो कि क्लाइंट सर्वर को रिटर्न कर रहा है। HTTP रिस्पॉन्स में तीन चीज़ें होती हैं, एक स्टेटस कोड, एक मैसेज कि वो रिक्वेस्ट सक्सेस हुआ या फेल हुआ। सक्सेस और फेल काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा डेटा मांग रहा है क्लाइंट जिसका उसको परमिशन ही है, जिसके लिए ही इज़ नॉट ऑथराइज, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़र मैं अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करके किसी दूसरे की प्रोफाइल का डेटा अगर एक्सेस करूं, तो उसकी मुझे परमिशन नहीं है, तो उस केस में रिक्वेस्ट मेरा फेल हो जाएगा। या इंटरनेट कनेक्शन का इशू है या कोई और ऑथराइजेशन फेलियर है, उस केस में मेरी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी डेटा या रिसोर्स क्लाइंट ने मांगा था, वो रिसोर्स रिस्पॉन्स की बॉडी में होती है। तो दोस्तों अगर हम क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर को टेक्निकल टर्म्स में समझें, तो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्लाइंट और सर्वर दोनों को अलग करते हैं। क्लाइंट बेसिकली क्या है? क्लाइंट बेसिकली है हमारे सर्विस को रिक्वेस्ट करने वाले लोग। और सर्वर्स क्या है? सर्वर्स बेसिकली है उस रिक्वेस्ट को प्रोवाइड करने वाले लोग या उस रिसोर्स को प्रोवाइड करने वाले लोग। तो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में हम रिक्वेस्ट मांगने वाले और रिक्वेस्ट को प्रोवाइड करने वाले दोनों को हम अलग कर देते हैं, और इसको बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से बनाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स इस पूरे आर्किटेक्चर में कनेक्टेड होते हैं, तो मल्टीपल क्लाइंट्स
एक सर्वर से रिक्वेस्ट मांग सकते हैं और सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमेशा क्लाइंट इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट को, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। तो अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को का एक ओवरव्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। क्लाइंट हमारा वेब ब्राउज़र होता है हमारा बेसिकली, और वो वेब ब्राउज़र हमारे लैपटॉप के अंदर भी हो सकता है, वो हमारे मोबाइल के अंदर भी हो सकता है, वो हमारे डेस्कटॉप के अंदर भी हो सकता है, हमारे टैबलेट के अंदर भी हो सकता है। और ये सारे क्लाइंट्स बेसिकली इंटरनेट के थ्रू सर्वर को हिट करते हैं और सर्वर से रिक्वेस्ट मांगते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस भी आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी कॉमन टर्म है, कई लोगों ने सुना होगा कई बार आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस भी एक्चुअली काफ़ी कॉमन टर्म है, हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये टर्म सुना होगा। तो चलिए हम ये समझते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम सबका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, अब दोस्तों नेटवर्क या तो इंटरनेट जैसा हो सकता है जो कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, या फिर कई लोग एक प्राइवेट नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं। प्राइवेट नेटवर्क मतलब फॉर एग्जांपल मेरे घर में तीन लोग हैं, तीनों के पास कंप्यूटर है और हम तीनों डेटा कुछ शेयर करना चाहते हैं, बट हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो डेटा है वो कोई और भी एक्सेस कर सके। तो हम एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करेंगे और सिर्फ हम तीनों ही उसको यूज़ करेंगे, कोई बाहर का इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो, चाहे वो पब्लिक नेटवर्क हो चाहे वो प्राइवेट नेटवर्क हो, तो हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड हो चाहे वो पब्लिक नेटवर्क हो चाहे वो प्राइवेट नेटवर्क हो, मान लीजिए 10 लोग उस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये 10 में से किसने डेटा मांगा है और किसने डेटा भेजा है? अगर ए ने बी से कोई डेटा मांगा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ए कौन है बी कौन है। तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसी भी नेटवर्क में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, हम जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको एक एड्रेस देते हैं, उनको बेसिकली एक की देते हैं, एक की जो कि उनकी यूनिक की होती है। इस की को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पे जब भी हम कोई डेटा शेयर करते हैं, किसी भी नेटवर्क पर जब भी हम कोई डेटा शेयर करते हैं, उसको शेयर करने का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि सिर्फ आपके इंटरनेट को या आपके लोकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। इंटरनेट पर जितनी भी अलग अलग वेबसाइट है सबकी एक डिफरेंट आईपी एड्रेस है। इवन अगर आपके घर में आपके प्राइवेट नेटवर्क में भी अगर 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर की एक अलग प्राइवेट आईपी एड्रेस होगी। कंप्यूटर्स के अलावा अगर आपके पास डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, इवन स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे अमेजॉन एलेक्सा हुआ, जैसे गूगल होम हुआ, ऐसे भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, इन सब का भी एक आईपी एड्रेस होता है, एक डिफरेंट प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो दोस्तों, आईपी एड्रेस को हम फ़ोन नंबर की तरह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में चार लोग हैं, और चारों के पास अपने अपने फोन्स हैं, तो दोस्तों चारों के पास अगर अलग अलग चार मोबाइल फोन्स हैं तो चारों के अलग अलग नंबर्स होंगे, राइट? तभी ये चारों आपस में एक दूसरे को कॉल कर पाएंगे और कोई डेटा शेयर कर पाएंगे। तो जैसे अलग अलग फोन्स के अलग अलग फ़ोन नंबर होते हैं, किसी भी दो फ़ोन का सेम नंबर नहीं हो सकता, उसी तरह दोस्तों आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है। एक नेटवर्क में सारे आईपी एड्रेसेस यूनिक होंगे, कोई भी एक आईपी एड्रेस दूसरे आईपी एड्रेस से सेम नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस को हम डिनोट कैसे करते हैं? आईपी एड्रेस बेसिकली एक सीरीज ऑफ नंबर्स की तरह डिनोट होता है, समथिंग लाइक x.x.x.x, इस तरीके से। ये जो x है, दिस कैन रेंज एनीवेयर फ्रॉम 0 to 255। सो आईपी एड्रेस कैन बी 0.0.0.0 और इट कैन बी 255.255.255.255. इनके बीच कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 192.158.1.38, दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। ये इनके बीच कोई भी नंबर हो सकता है। अब दोस्तों, आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस एक्चुअली रैंडम नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आईपी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी आप आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं।
आईपी एड्रेस के लिए एक्चुअली एक अथॉरिटी है विच इज कॉल्ड IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, एंड दिस नंबर इज अ पार्ट ऑफ ICANN विच इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स। तो IANA जो अथॉरिटी है वो बेसिकली हर आईपी एड्रेस को मैथमेटिकली कंप्यूट करके देती है। IANA वो आईपी एड्रेस आपके ISP को देती है, यानी कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को देती है, राइट? और आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, फॉर एग्जांपल आप एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करते हैं, रिलायंस का नेटवर्क यूज़ करते हैं, आप आइडिया का नेटवर्क यूज़ करते हैं, कोई भी नेटवर्क अगर आप यूज़ करते हैं, तो एयरटेल, रिलायंस या आइडिया वो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी काफी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। इसी वीडियो को कंटिन्यू करके हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस कितने तरह के होते हैं, और हम जानेंगे कि जब हम ब्राउजर में कोई भी URL टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल www.google.com, तो एक्चुअली बैकग्राउंड में ऐसी क्या प्रोसेस होती है, कैसे वो HTTP रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास जाता है, और कैसे अल्टीमेटली वो वेब पेज हमारे पास रेंडर होकर आता है, इसके पीछे का पूरा गेम समझेंगे हम। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा दोस्तों, प्लीज डोंट मिस आउट ऑन इट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर, जूनियर, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट चीजें पता लगे इंटरनेट के बारे में, क्लाइंट के बारे में, सर्वर के बारे में। कहते हैं दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग। आपके जो भी कॉमेंट्स हो, फीडबैक हो, क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई मेक श्योर कि मैं हर कॉमेंट का रिप्लाई करूं। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब करें, एंड देयर इज आल्सो अ बेल आइकन एट द बॉटम। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, अगर आप उस आइकन को दबा देंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो निकालूंगा, YouTube आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन दे देगा। तो दोस्तों प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। बाय बाय।